नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं आज वेदपाल दायमा जी के कार्यालय पर। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, कांग्रेस के तमाम नेता यहां पहुंचे हैं, जगन डागर जी भी हैं, करण दलाल जी यहां पहुंचे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा टिकट के और प्रबल उम्मीदवार हैं, उनसे बात करेंगे। राम की चर्चा हो रही थी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बड़ा विषय था कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक समाज को लेकर, वैश्य समाज को लेकर एक टिप्पणी की गई है और कहा जा रहा है कि ये जो आवाज़ है ये वर्तमान सांसद, वर्तमान निवर्तमान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की है, जिसमें वैश्य समाज पर कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। दलाल साहब, देखिए, तमाम फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों के ये गले बात उतर चुकी है कि ये बात वाकई तैश में आकर के हमारे जो सांसद हैं उन्होंने कही है, कृष्णपाल जी ने, और अभी मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने अखबार में खंडन किया है। हम उनके खंडन को नहीं मानते, हाँ हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर कृष्णपाल जी अयोध्या की तरफ हाथ करके भगवान राम की कसम खा करके कहें कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, उन्होंने वैश्य समाज को अपमानित नहीं किया, वैश्य समाज के बारे में उन्होंने ऐसी छोटी बात नहीं कही, तो अगर वो अयोध्या की तरफ हाथ करके भगवान राम की कसम खा करके कहते हैं तो हम मान लेंगे कि उन्होंने नहीं कही, अगर उनमें हिम्मत है तो वो कहें। लेकिन भादर साहब, एक इतने बड़े समाज को, जो देश का अग्रणीय समाज है, जिन्होंने शिक्षा संस्थान चला करके उन गुर्बत के दिनों में इस देश को संभालने का काम किया, जब पानी नहीं था तो प्याऊ लगाते थे, खाना नहीं था तो खाना खिलाते थे, देश के हर आदमी के साथ उन्होंने सहयोग किया, और मात्र एक चुनाव जीतने के लिए इतने बड़े समाज को अपमानित करें तो ये मर्यादा से बाहर है। ये बात उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम निंदा करते हैं। दलाल साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में ये जो चुनाव है ये ना भाजपा का चुनाव है ना मोदी का चुनाव है, ये कृष्णपाल गुर्जर जी के पाप और पुण्य का चुनाव है। पिछले 10 सालों में जो उन्होंने अच्छे काम किए और पिछले 10 सालों में जो बुरे काम किए उसका चुनाव है। क्या लगता है आपको कि यहाँ जो चुनाव है वो व्यक्ति पर आकर ठहर गया है? क्योंकि 10 साल का कुशासन, 10 साल की लूट, 10 साल जो लोगों ने दुखों को झेला है, नौजवानों को जो मायूसी मिली, कमेरे वर्ग को जो निराशा मिली, जो इस फरीदाबाद के प्रदूषण ने लाखों लोगों की जानें ली हैं, जो आज भी घुटन बनी हुई है, न सीवर है न पानी है, जो अपनी कॉलोनियां काटते रहे, जो अस्पतालों में हिस्सेबाजी करते रहे, आज ये निश्चित तौर पर जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है ये उम्मीदवार के नाम पर कृष्णपाल वर्सेज कांग्रेस का ये चुनाव होगा, कांग्रेस से भी ज्यादा। कृष्णपाल वर्सेज करण दलाल नहीं होगा? मैं इसलिए एक बात कह सकता हूँ कि अब की दफ़ा जो कृष्णपाल और करण या जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे ये वही चुनाव होगा, और एक के जीतेगा एक के हारेगा, तो अब की दफ़ा जो कई दफ़ा जीत लिया वो हारेगा, नया के आएगा और इस लोकसभा क्षेत्र का उद्धार करेगा, लोगों की खोई हुई जो हमारी हमारी हैसियत है उसको बनाने का काम करेगा, और सभी 36 बिरादरियों के साथ मिल करके हम फिर से फरीदाबाद को तरक्की के रास्ते पर लेकर के आएंगे, और लोग नौजवानों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे, टोल जो चारों तरफ लगाए हुए हैं उनको हटाने का काम करेंगे, जो मेट्रो को पलवल तक ले जाने का काम है उसे हम करेंगे, जो फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो ले जाना है वो भी हम करेंगे। दलाल साहब, अभी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे ही कृष्णपाल जी वोट मांगने कहीं जाते हैं, अभी 11 करोड़ रुपए का नारियल फोड़ने के लिए पहुंचे थे NIT विधानसभा में, वहां काले झंडे दिखाए गए, मोहना पुल के लिए पिछले 5 महीने से लोग संघर्ष कर रहे हैं वहां उतार चढ़ाव के लिए, वो ग्रीन एक्सप्रेसवे पे, और उन्होंने बाकायदा जुलूस निकाला, अर्थी निकाली, शव यात्रा निकाली, और शायद कल के मैं देख रहा था व्हाट्सएप पर घूम रहा है मैसेज कि कल 24 तारीख को वो शायद 13वीं भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा जो जन आंदोलन खड़ा हो गया है एक व्यक्ति के खिलाफ क्यों? उसका सीधा सा कारण है भारद साहब कि इतने प्यार और इतने लाड से लोगों ने जिस नुमाइंदे को 10 साल के लिए बहुत बड़े मतों से चुनाव जिताया हो और वो उनके दुख दर्द में काम ना करके अपने ही व्यवसाय, अपने ही कामकाज को बढ़ाने का काम करता रहा, इलाका पीछे की तरफ जाता रहा, किसान मरते रहे, मजदूर मरते रहे, नौजवान मायूस होते रहे, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मोहना गांव में उतार चढ़ाव का
जो इस जेवर एयरपोर्ट का बनना था वो अकेले मोहना का नहीं, हमारे दोनों जिलों का एक आने वाले समय का बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम था। और उस उतार चढ़ाव को ना बना करके भाजपा के नेता वहाँ सस्ती ज़मीनें खरीदने में लगे रहे तो लोगों के संज्ञान में था। इसलिए उन मोहना गांव ही नहीं, वहाँ हर बिरादरी के जितने भी गांव हैं उन सभी बिरादरी के लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है और उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है। तो इसमें हम उन लोगों के लिए क्या कह सकते हैं जो इतने सालों से वहाँ धरनों पर बैठे हैं, महीनों से धरनों पर बैठे हैं, दिन और रात ठंड गर्मी में कोई उनकी रीझ बूझ नहीं हो रही है। तो प्रजातंत्र में अधिकार है, अपने दुख को किसी भी तरीके से प्रकट किया जा सकता है और ये तो शुरुआत है, अभी चुनाव को आगे बढ़ने दीजिए, ये तो जगह जगह नज़ारे आपको नजर आएंगे। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये ऑफिशियल घोषणा कब टिकट की, कांग्रेस की टिकट की ऑफिशियल घोषणा कब? देखिए तमाम लोकसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये मुकाबला किस और किसका होना है, ये केवल अखबार में आने वाली बात है। तो होली के बाद ये जल्द ही जो घोषणा है वो पार्टी की होने जा रही है और आप देखेंगे कि जो चुनाव अब की दफ़ा इस लोकसभा में लड़ा जाएगा वो एक ऐसी मिसाल बनेगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि चुनाव क्या होता है, चुनाव क्या होता है। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।